बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और मैं हूं आसिफ खान। और आज बहुत ही ख़ास मेहमान को मैंने मधु किया है, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। पहले उनका चले नाम बता देता हूं, विक्रांत गुप्ता। कोई तारुफ कराने की उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में और दुनिया भर में उनको जाना जाता है, सुना जाता है और देखा जाता है। इंडिया के चैनल अब वाबस्ता हैं, बड़े अरसे से एक प्रेजेंटर हैं एंड आप सब उनके बारे में जानते हैं। बात क्या करूँगा मैं, जो विक्रांत से मैंने करनी है वो यह है कि विराट कोहली की इस वक्त फॉर्म जो डाउन है, उस पर बाबर आजम ने कल बहुत अच्छा ट्वीट किया। तो विराट कोहली इस हवाले से, विराट कोहली की फॉर्म को लेकर क्या सोचा जा रहा है इंडिया में और दुनिया भर में इनफैक्ट, और दूसरा ये कि बाबर आजम के इस जेस्चर को कैसा देखते हैं। तो विक्रांत, थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन इन किया। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि विराट कोहली की फॉर्म के हवाले से जो बाबर आजम ने जेस्चर दिया, इसको किस तरह से लिया जा रहा है इंडिया में और किस तरह से इसको आपने किस तरह से लिया? बिल्कुल जी, बाबर का जेस्चर जो है मोर देन वेलकम है। इनफैक्ट आप इंडियन कम्युनिटी की क्यों बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि क्रिकेट कम्युनिटी की ही अगर आप बात करें, विराट के लिए ये कितना रिलीफ की बात होगी कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में लोग उनकी फॉर्म को लेकर वरिड है, पाकिस्तान में उनकी फॉर्म को लेकर वरिड है। एक ऐसा प्लेयर उनकी फॉर्म को लेकर वरिड है जो शायद आने वाले जमाने में, आने वाले वक्त में जिस रास्ते पर विराट चलकर गए और इतने रन बनाए, उसी रास्ते पर चल रहा। बाबर को मैंने देखा है, उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा कंडक्ट किया है, न सिर्फ बल्ले के साथ लेकिन उसके अलावा भी। शायद आपके पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जो अपनी टीम को आगे लेकर जाएगा, और शायद ये सब कॉन्टिनेंट के लिए खुशनसीबी है कि कभी विराट दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज, हो सकता है आने वाले वक्त में बाबर आजम दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने। जी विक्रांत, आपने बड़ा तफसीली बताया इस मौजू को, लेकिन अब चलें एक बात और भी करना चाहूँगा मैं कि विराट कोहली इतने बड़े बैट्समैन हैं, दुनिया के नंबर एक बैट्समैन वो रहे और वो दुनिया में एक कैरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, क्या वजह है उनकी फॉर्म में डिप की, आपको क्या वजह समझ आती है और किस तरह से वो बाहर निकलेंगे इससे? जो विराट के साथ हुआ है वो ना तो पहली बार क्रिकेट इतिहास में हुआ है ना ही आखिरी बार हुआ है। आप माजी में भी जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने राज किया, लेकिन एक वक्त आता है जब आपसे रन नहीं बनते हैं। अब सवाल ये होता है कि इनका पैच थोड़ा लंबा हो गया। अब ये भी जवाब नहीं है हमारे पास कि क्या ये पैच से वो निकलकर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है उसकी ईगो भी उतनी बड़ी होती है, उस अपने आप को सुपर इम्पोज करना चाहता है, वो डोमिनेट करना चाहता है। शायद वक्त आ गया है कि विराट को अपने अंदाज को थोड़ा बदलना होगा। और एक और चीज जो मैं अरसे से कह रहा हूं, शायद लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये है कि T20 का जो फॉर्मेट है अब वो उनकी गलतियों को, फेलियर्स को मैग्नीफाई कर रहा है, क्योंकि रन तो टेस्ट मैचेस में भी नहीं है, रन उस तरह वनडे में भी नहीं है, रन उस तरह T20 में भी नहीं है, बट चूंकि T20 इतनी खेल रहे हैं, IPL भी खेलते हैं, उसमें भी रन नहीं बने, तो उनके जो फेलियर्स हैं सो कॉल्ड वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है। दो तरह से देख सकते हैं, वो ब्रेक ले लेते हैं या वो खेलते हैं, स्टॉप स्टार्ट जो है वो चलता नहीं है। आप ब्रेक ले लें फिर लंबा ले लें, या आप खेलें तो लगातार खेलें, क्योंकि फॉर्म में दुनिया का हर बल्लेबाज क्रिकेट खेल के आया है, क्रिकेट से दूर हटकर घर पर बैठकर फॉर्म आपको मिलती नहीं है। विक्रांत गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आपने टाइम दिया इतने इंपॉर्टेंट मौजू पे। हमने बड़े अरसे बाद बात की, हम बात करते रहेंगे। आप फ्री हिट के देखने वालों को के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। और फ्री हिट के देखने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आता है तो। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।